बोला जो 18 नंबर खुला हुआ तुम्हारा गेट क्यों बंद है, तुम नोट एंट्री करके रखा है। तो हम कहे हमको गाली नहीं दीजिए, हम दो मिनट में खोल ही देंगे, तुमको अगर मार ही देंगे बोलते हमें खत्म हो जाएगा। रेलवे गुमटी खोलने से मना करने पर युवक ने गेटमैन को मारा चाकू। दरभंगा में गुमटी जाम की समस्या कोई नई नहीं है, अक्सर घंटों लोग जाम से जूझते रहते हैं। वर्षों से रेलवे ओवरब्रिज बनने की बातें ही केवल जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती है पर बनाया नहीं जाता, इससे लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोश बढ़ने का नतीजा अब हिंसक रूप से भी सामने आने लगा है। ताजे मामले में गुरुवार को काफी देर तक गुमटी बंद रहने से आक्रोशित एक युवक ने रेलवे गुमटी के गेटमैन को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल गेटमैन की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। गेटमैन का इलाज फिलहाल डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। घटना लहरियासराय रेलवे स्टेशन के दक्षिण अवस्थित 19 नंबर गुमटी की है। बताया जाता है कि सुबह करीब 8:15 बजे एक ट्रेन के गुजरने के बाद भी काफी देर तक गुमटी बंद था। बाइक सवार युवक ने गेटमैन को गुमटी खोलने को कहा। गेटमैन ने दूसरी गाड़ी के शंटिंग और बैक होने तक गुमटी बंद रहने की बात कही। इस पर युवक आक्रोशित हो गया और जेब से चाकू निकाल कर गेटमैन अखिलेश के सर और गर्दन के पास वार कर दिया और भागने लगा। गेटमैन ने घायल होने के बावजूद युवक के बाइक के नंबर प्लेट की तस्वीर, फिलहाल बाइक नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाकर उसकी खोज की जा रही है। आज हम 8:15 बजे अपने मतलब ड्यूटी में थे, तैनात थे गेटमैन के पद पे हैं, और कार्य के दौरान मतलब ये गाड़ी अप से गई और डाउन से एक गाड़ी सर के आदेश हुआ, जो मतलब एक गाड़ी जो है ना दूसरे ट्रैक पे लेना है जिसको सेंटिंग करेंगे, आप गेट बंद रखेंगे। अच्छा, उसी दरमियान एक लड़का आया और बोला जो गाली हमको दिया, बोला गेट खोलो। तो हम बोले जब भैया दो मिनट रुक जाइए, गाड़ी जो है ना बैक हो जाएगी फिर हम गेट को खोल देंगे। तो बोला जो 18 नंबर खुला हुआ तुम्हारा गेट क्यों बंद है, तुम तो नोट एंट्री करके रखा है। तो हम कहे हमको गाली नहीं दीजिए, हम दो मिनट में खोल ही देंगे, तुमको अगर मार ही देंगे बोलते हमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है ना हम कहे आप मारिएगा तो हम आरपीएफ साहब को बुलाएंगे। तो उसके बाद में पॉकेट से निकाला कुछ टाइगर, उसका माथा में सीधा हमको घोंप दिया, घोंप के भागने लगा। भागने लगा तो फिर हम दो लड़का थे तो उसको पकड़े, फिर वो भाग गया हमसे छूट करके। उसका उसके गाड़ी का नंबर खींच लिए, फोटो खींच लिए, दौड़ के जा करके हमारा माथा में ब्लड निकल रहा था, दर्द हो रहा था, फिर भी जाके खींच लिए। जख्मी कर्मचारी के साथ में हम डीएमसीएच में आए हुए जी, और मोटरसाइकिल का जो घटना पर जो है मोटरसाइकिल नंबर हमको मिल गया जी, और प्रयास जारी है, उसको खोज भी जारी है जी, और अभी फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या स्थिति क्या है पेशेंट? स्थिति अभी ना ठीक है, बातचीत कर रहा अच्छा से, सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ है, उसमें रिपोर्ट अभी तक सही आया है, पूर्ण रिपोर्ट सब नहीं दिया है लेकिन अभी तक डॉक्टर का आश्वासन दिया कि ठीक है। तो गाड़ी नंबर आपको गाड़ी नंबर हमको मिल गया सर, छानबीन चालू है। आप क्या हैं सर? हम आरपीएफ से है जी, आरक्षी दीप कुमार नाम है मेरा जी। कहाँ पर पदस्थापित है? हमारे दरभंगा पोस्ट पे है फिलहाल, प्रेजेंट में अभी लहरियासराय स्टेशन में दिया गया ड्यूटी। तो क्या सीनियर पदाधिकारी लोग को इस चीज़ का खबर मिला? हम उनको भी मिला और हमको भी मिला था, हम पहले घटनास्थल पर गए जी, साहब लोग भी बोले कि जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचिए जी, फिर ऐसे ऐसे बात हो चुका है, ये पत्थर हमको तो पत्थर का जानकारी मिले कि पत्थर मारा। अच्छा, लेकिन घटना पर गए तो बोले कि नहीं चाकू मारा है। अच्छा सर, ये बताइए कितने के संख्या में वो लोग थे? बता रहे गेटमैन की एक ही लड़का था जी, अकेला था, ब्लड था। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।